हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये देखिए, मैंने नेनवा 1 केजी लिया है और ये बेसन, इसके साथ मैं अच्छा सा एक सब्जी बनाऊंगी। और ये देखिए, बेसन को मैंने पहले से अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसको। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, प्याज चॉप्ड किया हुआ डाला है, हरी मिर्च डाली है 2 पीस कटी हुई। इसे अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। अब इसमें मैं देखिए, मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। मसाला मैंने मिला के रखा है। इसमें मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 चम्मच, धनिया हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच लिया है, कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच और हरी पत्ती मैंने धनिया की 2 बंच रख ली है उसको कट करके। और ये देखिए, मेरे सारे मसाले मैंने तैयार करके रख लिए हैं। एक टमाटर भी चॉप करके रखा है मैंने। और ये देखिए, मेरा ये पेस्ट जो है बेसन का, ये देखिए मैं सब्जी भी कट करके रखी, इसको अच्छे से छील ली हूँ नेनवा को, और इसको पतली पतली काट के मैंने एकदम रखा है। अब मैं शुरू करती हूँ इसे बनाना। नमक मैं अभी डाल रही हूँ। नमक डाल के अच्छे से ये पकौड़े, छोटे छोटे पकौड़े तलूँगी, एकदम जैसे सोयाबीन के इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा पकौड़ा तलना है। और इसको मैं अच्छे से डाल डाल के तल लेती हूँ। ये देखिए, एकदम छोटी छोटी पकौड़ियाँ हैं इसमें। और जब ये पकौड़े अच्छे से एक साइड से पक जाएंगे तो फिर इसे पलट देना है। इस तरह से पलट पलट के मैं पकाऊंगी। अब देखिए, एकदम गोल्डन ब्राउन पकाना है, लो मीडियम फ्लेम में इसे पकाना है, क्योंकि तभी ये अच्छे से अंदर तक पकेंगे। ये देखिए, मेरे पकोड़े एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये बहुत ही फ्लफी पकोड़ा बनता है, बहुत ही एकदम क्रिस्पी भी होगा। लेकिन इसे तो मैं बाद में उसमें डाल दूंगी। अब देखिए, फिर से जो बचा है उसको भी मैं डाल के इसी तरह तल के निकाल लूंगी। अब ये जीरे का छौंक मैंने लगाया, इसमें मैं ये चॉप्ड किया हुआ प्याज डाल दिया, जो कि मेरे पास 2 मीडियम साइज का प्याज मैंने काटा था, चॉप किया था, उसको मैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, एकदम गोल्डन ब्राउन हुआ है। इसमें मैं वो सारे मसाले डाल दिए। अब ये देखिए, मैं अच्छे से इसे फ्राई करूँगी, एकदम धीमी आंच में, लो फ्लेम में फ्राई करना है। ये लगभग 3-4 मिनट लग जाते हैं 5 मिनट पकने में, अच्छे से पक जाएगा तब इसमें फिर मैं, ये देखिए एकदम मसाला अच्छे से हो जाएगा तभी मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। और टमाटर डाल के फिर से इसे अच्छे से पका भूज लेंगे, फ्राई करेंगे एकदम। टमाटर डालने के बाद ये देखिए, मसाले का कलर भी मेरा कितना अच्छा आया है, जो अब ये टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे 3-4 मिनट में। और मैं इसमें नमक भी डाल दी हूँ, मसाले में ही मैंने नमक डाल दिया था। अब ये देखिए, मेरा इसमें मैंने नेनवा कटा हुआ डाल दिया और इसे अच्छे से मिला के मैं ढक के पकाऊंगी। जब ढक के पकाने के पकेगा तो इसमें पानी अपने आप छोड़ देगा। ये देखिए, पानी निकल आया। तो अब मैं इसमें वो बड़ा जो मैंने बना के रखा था पकोड़े, वो डाल दूंगी और डाल के इसे लो मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी। और इसमें अलग से मैं पानी नहीं डालूंगी, इसी पानी में ये पकेगा, इसके ही जो छोड़ा हुआ पानी है नेनवा वाला, उसी में। अब इसे मैं फिर से ढक दूंगी और लो मीडियम फ्लेम में पकने दूंगी। लगभग 8-10 मिनट में ये पकोड़े, ये सब्जी तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, मेरा लगभग ये सब्जी होने ही वाला है और थोड़ा देर लगेगा। और इसे मैं पूरा पानी नहीं इसका सुखाना है मुझे। ये देखिए मेरे पकोड़े कैसे बने हैं, एकदम फ्लफी है, अंदर में इसमें रस भर जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हो गया है मेरा। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल के और इसे अब मैं बंद ही कर दी हूँ चूल्हा, और इसे मैं अब निकाल लूँगी। और तो फ्रेंड्स, मेरे रसोई में खाना अगर अच्छा बना तो आप पसंद कीजिएगा, तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। और ये सब्जी आप बना के जरूर खाइए, ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, लव यू। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। थैंक यू।